फिल्म की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां आयोमा की पत्नी की एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसका आयोमा और उसके बेटे पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। इसलिए 7 साल बाद भी आयोमा ने दूसरी शादी नहीं की, पर उनका चिंतित बेटा उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव देता है क्योंकि जल्दी वो अपने पढ़ाई के लिए दूसरी सिटी मूव हो जाएगा और वो अकेले रह जाएंगे। वो उसकी बात पर गौर करने का तय करते हैं, जिसमें उनका एक करीबी दोस्त योशिकावा उनकी मदद करते हैं, जो दरअसल एक फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं जो अपने एक नई फिल्म के लिए एक पत्नी के किरदार के बहाने से एक ऑडिशन अरेंज करते हैं, जहां दोनों भी एक सुशील और आज्ञाकारी लड़की के खोज में लग जाते हैं। फिर तभी आयोमा की नजर आसामी के एप्लीकेशन पर पड़ने पर वो जैसे उसके प्रति सम्मोहित हो जाते हैं, और जब वो ऑडिशन के दौरान अनुभव करते हैं कि आसामी एक सॉफ्ट स्पोकन, रिजर्व, मैनर्ड और उसमें वो सारे संस्कार है जिनकी उन्हें तलाश है, तो उनका उस पर दिल आ जाता है। जिस दौरान आसामी शेयर करती कि वो कभी एक डांसर बनना चाहती थी, पर डांसिंग के दौरान एक इंजरी के कारण उसे अपना एक डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। पर आसामी का बैकग्राउंड चेक करने पर जो भी रेफरेंस उसने अपने एप्लीकेशन में मेंशन किए थे, एक भी उसमें से मैच नहीं करता। इतना कि जिस म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ उसने काम करने का दावा किया था वो रहस्यमय कारण से लापता हो गया। इसलिए योशिकावा को कुछ गड़बड़ लगता है और वो तुरंत आयोमा को वॉर्न करते आसामी से दूर रहने के लिए, पर तब तक आयोमा आसामी के खूबसूरती में डूब चुके होते हैं, जिसके तुरंत बाद ऑडियंस को दिखाई देता है कि आसामी अपने एम्प्टी अपार्टमेंट में फोन को घूरे जा रही है, जिसके बगल में अनजान कारण से एक बड़ा थैला भी पड़ा है। पर 4 दिन बाद जब आयोमी आसामी को कॉल करते हैं तो आसामी अब भी फोन को ताड़ते नजर आती है, मानो वो पिछले 4 दिनों से वहीं जमी रही आयोमा के फोन के इंतजार में। उनका फोन उठाने पर वो ऐसे खुश हो जाती है जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति के लिए चुन ली गई हो। अब दोनों के कुछ डेट्स पर मिलने के बाद आखिर में आयोमा आसामी को एक होटल में इनवाइट करते हैं। होटल पहुंचने पर आसामी आयोमा से एक खास बात शेयर करती है कि बचपन में किसी के उसे मोलिस करने के कारण उसे शरीर पर गहरी चोट लग गई। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो आसामी ने अपने ऑडिशन के दौरान कहे बात को एकदम से बदल दिया होता है, जो उस बार उसने कहा था कि वो उसे चोट डांस के दौरान लगी थी। आखिर उसने अपना जवाब क्यों बदला हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। आसामी आयोमा से पूछती है कि क्या तब भी वो उससे उतना ही प्यार करेंगे, जिस पर आयोमा हाँ में जवाब देते हैं और दोनों भी उसी होटल रूम में रात बिताते हैं। पर अगले सुबह आंखें खुलने पर आसामी होटल से गायब हो चुकी होती है। आयोमी एक मजनू की तरह अब उसके तलाश में लग जाता है पर उसका कहीं पता नहीं चलता। फिर वो उसी डांस स्टूडियो विजिट करता है जहां आसामी ने दावा किया था कि वो वहीं डांस प्रैक्टिस किया करती थी, पर वो स्टूडियो जैसे एकदम खाली। उनकी मुलाकात उसी डांस इंस्ट्रक्टर से होती है जिनके बारे में आसामी ने बताया था कि उन्होंने उसे मोलेस्ट किया था, जो प्रोस्थेटिक पैरों के मदद से चलते हैं। वहां से कोई ठोस जानकारी नहीं मिलने पर फिर आयोमा उसी बार जाते जहां आसामी काम किया करती थी और वहां से उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है कि ये बार दरअसल एक साल से बंद पड़ा है क्योंकि इसके ओनर की किसी ने टुकड़े करके हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह कि उसके लाश से उन्हें 3 एक्स्ट्रा कटी हुई उंगलियां, एक कान और एक जबान भी बरामद हुआ। ये जानने के बाद आयोमा के दिमाग में थोड़ी देर के लिए उन्हीं कटे हुए पार्ट्स का इमेजिनेशन नजर आता है, और तभी हमें कोई आयोमा के घर घुसपैठ करते नजर आता है जो उनके डेस्क पर उनकी पत्नी की तस्वीर देखकर आयोमा के ड्रिंक में कुछ मिलाकर छिप जाता है। अब जब आयोमा उस ड्रिंक को पीते हैं तब उसे अपने पत्नी का हैलुसिनेशन नजर आने लगता है, जो उसे आगाह करने की कोशिश करती कि आसामी अच्छी लड़की नहीं है। पर होश में आने के बाद जब वो वहीं बेहोश हो जाता है तब उसे मिस्टीरियसली इस बार आसामी का घिनौना सच हैलुसिनेट होने लगता है, जहां उसी थैली से कोई आदमी निकलता है जिसके वही सारे बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं जो बॉडी पार्ट्स ऑफिसर्स को उस बार के ओनर के लाश से बरामद हुई थी। और फिर आसामी उसे एक जानवर के खाने के प्लेट में उल्टी करके उसे वही खाने के लिए डालती है जो उसे मजबूरन खाना पड़ता है, यानी कि आसामी एक ब्रूटल किलर है। इसके तुरंत बाद वही डांस इंस्ट्रक्टर यंग आसामी को मोलेस करते नजर आता है, जिसके बदले में आसामी उसकी ब्रूटली हत्या कर देती है। अब आयोमा की आंख खुलने पर वो आसामी को अपने सामने पाता है, जो उन्हें बताती कि उसने उन्हें ड्रग कर दिया है जिसके कारण अब वो हिल नहीं पाएंगे पर उन्हें हर तरह का दर्द महसूस होगा, जिसके बाद आसामी आयोमा को नीडल से टॉर्चर करने लगती है, जिसके दौरान वो आयोमा पर आरोप लगाती कि तुम भी दूसरे मर्द की तरह हो जिन्हें अपने पत्नी की छोड़कर दूसरों की पड़ी होती है, तुम अब भी अपने पत्नी को चाहते हो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सन की आसामी बेदर्दी से उनका एक
टांग काट देती है, पर निर्दय की उनकी दूसरी टांग काटने से पहले ही भाग्य से उसका बेटा आ जाता है, इसलिए आसामी को छिपना पड़ता है। अब अपने पिता की इतनी बेदर्द परिस्थिति देखने के बाद आसामी उस पर भी वार करने ही वाली होती कि आयुमा एकदम से झटके में उसी होटल रूम के बेड से उठता है जहाँ आसामी उसके बगल में ही सोई हुई होती है। और अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है कि होटल के बाद से जो भी घटना हमने देखा वो बस आयुमा का एक डरावना सपना था, जिसका सबसे बड़ा क्लू चार दिन बाद भी आसामी का एक ही जगह पर जमे रहना, उनके फोन का इंतजार करना था। और दूसरा क्लू जब आसामी अपना स्टेटमेंट बदल देती है कि उसे वो घाव कैसे लगा, जो अक्सर सपनों के दौरान इंसान के साथ होता है, क्योंकि हमें सपनों की बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, कभी कभी वही जानकारी एकदम मैनिपुलेट हो जाती है। और अब मूवी होटल रूम की तरफ मुड़ते हुए अब आसामी भी जागने के बाद आयुमा से उसके शादी के प्रपोजल के लिए हामी भरती है कि वो ही उसके लाइफ की हीरोइन है, हालांकि आयुमा ने कभी उसे प्रपोज नहीं किया था। पर उसके बाद जब आयुमा फिर से सो जाता है तब वो फिर से उसी ड्रीम में लौट जाता है जहां आसामी उसके बेटे की जान लेने वाली होती है और वो पैरालाइज कुछ कर नहीं पाता, पर उसका बेटा चालाकी से ऊपर चढ़कर आसामी को अपने तरफ लूर करके एक ही किक से सीढ़ियों से नीचे ढकल देता है, जिससे आसामी बुरी तरह से गिरने के कारण उसकी गर्दन टूट जाती है और अब उसका दम धीरे धीरे टूटने लगता है। आयुमा तुरंत अपने बेटे को पुलिस को कॉल लगाने को कहते हैं और आसामी बगल में ही धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगती है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आखिर मूवी के एंडिंग का मतलब क्या था? पहले तो हम ये समझ लेते कि जो भी घिनौना रूप हमने आसामी का देखा वो सब आयुमा का एक बुरा सपना था। अब ऐसा सपना उन्हें क्यों आया? दरअसल आयुमा एक पुराने ख्यालात के थे, उनके अनुसार एक औरत की खूबसूरती और आज्ञाकारिता ही उसे एक संस्कारी बनाती है, ठीक जैसे उनके पत्नी में था, इसलिए उन्होंने औरतों के प्रति एक मिसोजिनिस्टिक विचार बना लिया था कि एक औरत को नम्र और स्वभाव में एकदम शांत होना चाहिए, जिसका क्लू हमें और उनके बार में बातों के दौरान से लग सकता है। और दूसरा, जब उसी दौरान कुछ लड़के अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसते हुए एक यादगार पल बिता रहे होते हैं तो दोनों को भी ये पसंद नहीं आया था, इसलिए जब उनके दोस्त योशिकावा ने ऑडिशन के बाद उन्हें खबर किया कि आसामी एक सही लड़की नहीं है जस्ट बिकॉज वो उसका रेफरेंस वेरीफाई नहीं कर सके, तो तब से आयुमा के दिमाग में आसामी के प्रति एक डार्क विचार बनने लगा। इसलिए होटल रूम में बुरे सपने से उठने के बाद भी जब वो फिर से सोने गए तो उन्हें फिर से वही सपना आया। वो दरअसल इसलिए क्योंकि वो विलिंगली उस बुरे सपने को कंटिन्यू कर रहे थे, खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि आसामी अच्छी लड़की नहीं है। पर वहीं आसामी का इतना ब्रूटल दिखाना, जैसे उसने उन सभी की निर्दयता से जान ली जिसने भी उसका गैर फायदा उठाने की कोशिश की, वो इसी सीख के तरफ इशारा था कि उनके जैसे लोगों का ऐसा ही हशर होना चाहिए। आयुमी का हेलुसिनेशन में आसामी का उनके फोन की तरफ बेसब्री से इंतजार करना इस तरफ इशारा था कि कैसे जापानीज मर्द मानते हैं कि एक औरत सक्सेसफुल मर्द के लिए कुछ भी कर सकती है। फिल्म में ऑडिशन के जरिए आयुमा के लिए एक पत्नी को शॉर्टलिस्ट करना यही इशारा था कि कैसे जापानी समाज में मर्द औरतों को जज करते हैं। वेल, इस मूवी ने तो मुझे टैग मूवी की याद दिला दी, और यदि इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन किया है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, इसलिए प्लीज एक लाइक तो जरूर छोड़ना। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।